क्या बताऊं मोदी जी, सबसे ज्यादा गन्ना आप ही का पैदा होता है। हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमारा गन्ना इतना पैदा नहीं होता। मैंने और योगी जी ने भरपूर मेहनत की अपने खेत पर। तुम खुद ही देख सकते हो हमारी बैलगाड़ी में कितना थोड़ा थोड़ा सा गन्ना है और तुम्हारी बैलगाड़ी बिल्कुल फुल है गन्ने से। राहुल तुम बेबालतू की तो बातें किया मत करो। तुम बातें ज्यादा कर रहे हो, बैलगाड़ी को हल्के हल्के चला रहे हो, इसीलिए तो अपना शुगर फैक्ट्री तक अभी नहीं पहुंचे, चीनी मिल तक नहीं पहुंचे। और तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि मेरी बैलगाड़ी में मेरा और लालू जी का दोनों का मिलकर गन्ना लदा हुआ है, जबकि तुम्हारी और योगी जी की बैलगाड़ी में तुम्हारे अपने खेत का गन्ना लदा हुआ है। तो तुम्हारा कम कम गन्ना है और हम दोनों का गन्ना है। लालू जी के बैल कहीं भाग गए, इसीलिए वो अपना गन्ना भी मेरी बैलगाड़ी पे लाद कर लाए हैं। इससे हमें मोदी जी कोई लेना देना नहीं। तुम अपनी बैलगाड़ी पर कितना भी गन्ना लाद कर लाओ, लेकिन कम से कम अपनी बैलगाड़ी को तो तेज चलाओ, क्योंकि आगे तुम ही बैलगाड़ी को चला रहे हो। जब तुम तेज चलाओगे तभी हम भी तेज चलाएंगे। मैं बीच में फंसा पड़ा हूँ राहुल के और तुम्हारे। चीनी मिल पर लाइन लग गई होगी बैलगाड़ियों की और ट्रक की, जल्द से जल्द पहुँचो। अरे रोको रोको, अपनी बैलगाड़ियों को यहीं पर रोको। अरे अखिलेश सर जी बोलो, क्या बात है, क्या दिक्कत है? अरे तुम अपनी बैलगाड़ियों में गन्ना लेकर एक लाइन से झुंड बना के चलती हो, जिससे रोड पर जाम लग जाता है। अरे अलग अलग चला करो। अरे अखिलेश सर जी अलग अलग कैसे चला करें? हम अपने गन्ने को बैलगाड़ी में एक दिन पहले लाद लेते हैं और सुबह सूरज निकलने से पहले ही पहले बैलगाड़ी लेकर शुगर फैक्ट्री की तरफ चल पड़ते हैं। अरे भाई एक साथ क्यों चलते हो? एक साथ चलने में क्या फायदा है तुम्हारा? अरे सर जी एक साथ चलने में बहुत से फायदे हैं हमारे। अगर हम अकेले बैलगाड़ी लेकर चलेंगे, अगर किसी की बैलगाड़ी में कोई दिक्कत हो गई तो वो अकेला रोड पर पड़ा रहेगा, और जब हम साथ में चलते हैं अगर किसी की बैलगाड़ी में कोई दिक्कत हो गई तो एक दूसरे की सहायता करके बैलगाड़ी को जल्द से जल्द ठीक कर लेते हैं। चलो वो कोई बात नहीं है, आराम से चलते रहो, लेकिन जाम नहीं लगना चाहिए, नहीं तो चालान कट जाएगा आपका। वैसे इस साल गन्ना क्या रेट बिक रहा है आपका चीनी मिल में? बहुत ही भयंकर मद्दा है गन्ने का इस साल, और ऊपर से मेरे बैल भाग गए इस साल, मुझे तो डबल नुकसान हो गया। एक तो गन्ने का रेट भी कम है, ऊपर से मेरे बैल भी भाग गए। बहुत तो भला हो इन मोदी जी का जो अपनी बैलगाड़ी पर मेरा गन्ना ले आए। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।